हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले 10 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। टोटल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, 12:36 पर दोनों सुई के मध्य क्या कोण होगा, दोनों सुई के मध्य क्या कोण होगा वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, एक सूत्र है जिसमें मैं आपको बता देता हूं सूत्र क्या है। तो दोस्तों, 30h-5.5 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे देखिए 30h का मतलब होवर, ठीक है, यानी कि घंटा। 30 × 12 घंटा दे रखा है ना यहाँ पे, 12:00, ठीक है। तो यहां पे 12 − 5.5 मिनट कितनी है, 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, यहां पे 30 को 12 से करोगे तो कितना जाएगा, 360, ठीक है, कितना जाएगा 360। और −5.5 × 36 करोगे तो कितना जाएगा, 192, कितना जाएगा, 192। अब दोस्तों, 360 में से 192 गया तो कितना बचा, 162 डिग्री बचा। दोस्तों, यहां पर अपना 162 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन में 161 दे रखा है तो इसको काट के 162 कर लेना, 162 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न, श्रेणी 18, 25, 23, 30 आगे कौन सी लुप्त संख्या है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। दोस्तों देखिए, सीधा सा मैं आपको बोलूँ, 18 में कितने जोड़े हैं कि 30 आ जाए, सॉरी 23 आ जाए। तो दोस्तों देखिए, 18 में अपन ने 5 जोड़ा तो 23 आए, कितने जोड़े, 5 जोड़े तो 23 आए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 25 और 30 दे रखा है, 25 और 30 में भी दोस्तों अपन ने क्या किया है, 5 जोड़े हैं। अब देखिए, 18, 23 के बाद में वापस अगली संख्या आएगी वो 23 में 5 जोड़कर आएगी, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 28। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 28। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है, ठीक है, आगे यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों देखिए, LXFMTJNPNOLR दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे L के बाद में M आता है, M के बाद में N आता है, N के बाद में O आता है, तो O के बाद में इधर क्या आएगा, P, यानी कि सभी अक्षर है वो यहाँ पे क्रमवाइज लिखे गए हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें X के बाद में दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, ये तो P तो आ गया, X आता है ये 24 नंबर पर आता है, सो यहाँ पे 24 नंबर पर X आता है, ठीक है। T है ये कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों T है ये आता है 20 नंबर पर, ठीक है। P कितने नंबर पर आता है, P आता है दोस्तों 16 नंबर पर। L आता है दोस्तों इसमें 12 नंबर पर। यहां पर देखिए, 4-4 का गैप चल रहा है, ठीक है, 12 में से भी 4 गए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहां पे देखिए, X 24 नंबर पे, T 20 नंबर पे, P 16 नंबर पे, L 12 नंबर पे, तो अब यहां पर कौन सी क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें 8 नंबर पर कौन आएगा, एच, ठीक है, क्या आएगा, एच, ठीक। उसी प्रकार यहां पर भी देखिए, एफ है वो 6 नंबर पे आता है, जे है वो 10 नंबर पे, इसमें भी 4-4 का गैप चल रहा है। तो यहां पे जो एल, यहां पे जो आर दे रखा है, आर आता है 18 नंबर पर, और 18 में भी दोस्तों अपने को क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो 22 नंबर पर क्या आता है, तो इसमें आता है वी, ठीक है। तो पी एच वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यदि आप बिंदु ए से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, यानी कि यहां से चलकर दोस्तों ये 8 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है, वहां से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, तो दोस्तों पूर्व दिशा में चलकर ये बिंदु सी पर है वो पहुंच गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो बिंदु ए और सी के मध्य क्या दूरी होगी, तो दोस्तों इसमें ए और सी के मध्य ये कर्ण है, इसकी दूरी कितनी होगी ये अपने को यहां पर बताना है। तो सीधा सा है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस
छः का स्क्वायर 36, तो टोटल कितने हो गए 100। ठीक है, ये 100 किस में है, रूट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर की दूरी है, ये कर्ण है, ये कितनी है 10 किलोमीटर की दूरी है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी वस्तु कि छाया किस दिशा में होगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहां पर देखिए सूर्य सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो छाया है वो पश्चिम दिशा में होगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें दोस्तों निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वो यहां पर अपने को बताना है। देखिए इसमें भी ऐसे दे रखा है ए बी सी, तो यहां पर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, सी डी ई, तो यहां पर क्या आएगा, एफ आएगा। यहां पे ई एफ जी, तो यहां पर क्या आएगा, एच। तो डी एफ एच इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पे श्रेणी 3, 8, 22, 63, 185 आगे कौन सी संख्या आएगी, वो लुप्त संख्या, वो अपने को यहां पर ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए 3, 3 × 6 + 2, ठीक है, 8 × 16 + 6 = 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22, 63 और 185, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इससे दुगना से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, देखिए 3 × 3 कीजिए कितना जाएगा, 9, 9 - 1 कितना जाएगा, 8 है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 × 3, 8 × 3 कितने होते हैं, 24, 24 - कितने, 2, तो कितने आ जाएंगे, 22। ठीक, उसी प्रकार 22 × 3 कितने होते हैं, 66, और 66 - दोस्तों यहाँ पर 3 कीजिए कितना जाएगा, 63। ठीक है, उसी प्रकार 63 × 3 - 4 करोगे तो यहाँ पर 185 आ जाएगा। ठीक है, और 185 × 3 - 5 करोगे तो सीधा सा आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना, वो है 550, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यदि R का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ इंटू है, W का अर्थ भाग है और A का अर्थ प्लस है, तो 42 W 7 R 8 A 6 Q 4 दे रखा है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं 42। W का अर्थ क्या है, W का अर्थ है दोस्तों भाग, ठीक है, भाग 7। R का अर्थ क्या है, R का अर्थ माइनस 8। A का अर्थ क्या है, A का अर्थ प्लस है 6। Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ इंटू 4। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से भाग दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, सॉरी 6, 6 बार गया ना 42 में 7 का भाग, तो 6 - 8 + 24 ये आ गया दोस्तों। तो सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस के 8 दे रखे हैं और 24 दे रखे हैं, तो सीधा सा है 24 में से 8 गए तो कितने बचे, 16, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 और 6 हो जाएंगे दोस्तों 22। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए, धागा, बीज, कपास, कपड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें यहाँ पे बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीज से ही बाकी सारी चीजें बनती है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा, ठीक है, कि उसकी एकमात्र बहिन, उसकी एकमात्र बहिन मेरी पुत्री की मां, मेरी पुत्री की मां की मां की मां है, की मां की मां है। तो दोस्तों यहां पर देखिए मलार का उस स्त्री से क्या संबंध है, तो दोस्तों मलार का उस स्त्री से दोस्तों ये इसकी पत्नी की क्या हो गई, मौसी हो गई। ठीक है, इसकी पत्नी की मौसी हो गई, यानी कि इसके क्या लगी, मदर इन लॉ। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मौसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए विवरण दे रखा है, कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है, कोई मिठाई है वो बिस्कुट नहीं है, कोई बिस्कुट केक नहीं है, कोई बिस्कुट है वो केक नहीं है, तीनों डायग्राम अलग अलग भी बन रहे हैं और क्रॉस में भी बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो निष्कर्ष देखिए, कुछ मिठाइयां बिस्कुट हो सकती है, कुछ मिठाइयां बिस्कुट हो सकती है, तो दोस्तों नहीं हो सकती,
कुछ मिठाइयाँ, कुछ सॉरी कुछ बिस्कुट केक हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों सीधा सा बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए बीच में 99 दे रखे हैं, इसमें 114 दे रखे हैं, यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए 5, 7, 4, 3 दे रखा है, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को टोटल कर लोगे तो 99 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो 9 प्लस 81, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो 49 प्लस और 5 का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है। तो ये इनको टोटल कर लीजिए, इनको टोटल करोगे तो दोस्तों 81 और 9 कितने होते हैं 90, 90 और 50 सॉरी 90 और 50 140 और 140 और 24 कितने होते हैं 164 होते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 164 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए प्रेयर दे रखा है, PRAYER दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए PRAYER यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। दर्पण है वो यहाँ पे साइड की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, जिस प्रकार घोड़ा का संबंध हिने नाना से है उसी प्रकार घंटा का संबंध किससे है, बताइए। घोड़ा है वो हिनहिनाता है, ठीक है, उसी प्रकार घंटा है वो क्या क्या होता है, बजना होता है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असंगत को चुनिए। तो दोस्तों निम्न में से अपने को यहां पर क्या करना है, असंगत को चुनना है, ठीक है। यहां पर देखिए डेसीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर और ग्राम, ग्राम का तो आप सभी को पता चल गया होगा, यह नाप तोल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष है वो तर्क संगत निकाला जा सकता है। कथन देखिए, कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें है वो कान है, ठीक है, कुछ आंखें है वो कान है, ठीक है, कुछ कान हाथ है, तो कुछ कान है वो हाथ है, एक डायग्राम ऐसा भी बनेगा और एक डायग्राम वैसा भी बनेगा, दो डायग्राम बनेंगे। तो इसमें देखिए कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ है वो आंख नहीं है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा है, ठीक है। देखिए कुछ हाथ आंखें है, तो कुछ हाथ आंखें है ये भी दोस्तों इसमें क्या है, देखिए कुछ हाथ आंखें है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे, तो उसके अनुसार दोस्तों या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ठीक है, लेकिन अपन कंफर्म नहीं कर सकते। इसमें दो डायग्राम बनेंगे, दोनों में सही होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष पहला सही है या दूसरा सत्य है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, एक 6 सेमी के ठोस घन के विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीले रंग से, शेष सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है, इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेमी के ठोस घन में काटा गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 96। ये प्रश्न अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेमी है जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर लगा यानी कि 40 चक्कर काटता है, तो मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी। दोस्तों वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक है, कितना होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 22/7 × r कितना है, व्यास दे रखा है, आधी हो जाएगी इसमें यानी कि 35, तो 7×5 = 35, तो 22 × 5 कितने होते हैं 110, 110 × 2 कितने होते हैं 220, ठीक है। तो 220 मीटर इसमें क्या आ गई, 220 सेंटीमीटर है वो इसकी दूरी आ गई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 40 चक्कर लगाता है, तो 220 × 40 कर लीजिए कितना जाएगा, इसमें 8800 आ जाएगा, कितना जाएगा 8800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों सीधा सा है, इसको घंटा में परिवर्तित कर लीजिए यानी कि 1 किलोमीटर में कितने
मीटर होते हैं, तो दोस्तों इसमें 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 10 लाख में 8800 का भाग दे लीजिए, सेकंड आ जाएगी, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, सीधा सा राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें कौन सा, तो वो जाएगा दोस्तों अपना इसमें 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर अर्थ को कूट भाषा में SUBDZ लिखा जाए, तो यहां पे TEAR तथा HER को कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है। तो दोस्तों सीधा सा है, ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा जाएगा DSUB और ZSB लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए जो अर्थ है, अर्थ के अंदर ही दोस्तों टीयर बनाया गया है, अर्थ के अंदर देखिए EARTH, तो टीयर के अंदर देखिए TEAR, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे HER है, ये भी किसमें, अर्थ के अंदर से ही बनाया गया शब्द है, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं लेना है, जो भी अर्थ को यहाँ पर लिखा गया है, जिस अक्षर का जो कोड है उसी अक्षर को यहाँ पर, उसी अक्षर का कोड लिखना है। सीधा सा राइट आंसर अपने पास में बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए कथन, देखिए कुछ पत्थर ईंटे हैं, कुछ पत्थर है वो क्या है, ईंटे है, ठीक है। कुछ ईंटे पेड़ है, तो कुछ ईंट है वो क्या है, पेड़ है, ठीक है। इसमें भी दो डायग्राम बनेंगे ऐसे वाला, ठीक है, ऐसा दो डायग्राम बनेंगे, दोनों में सही होना चाहिए। देखिए निष्कर्ष, कुछ पत्थर पेड़ है, कुछ पत्थर है वो पेड़ है, कुछ पत्थर है वो पेड़ है, तो दोस्तों देखिए दोनों में सही नहीं हो रहा ना। ये पहले वाले के अंदर तो कुछ पत्थर है वो सिर्फ ईंट है, पेड़ नहीं है, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ पेड़ ईंट है, तो कुछ पेड़ है वो ईंट है, देखिए पहला और दूसरा डायग्राम दोनों में सही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में 829 का अर्थ है हाउ आर्ट थाउ, ठीक है, और 958 का अर्थ है यहां पर देखिए थ्रोर आर्ट गुड, और दोस्तों यहाँ पे 1587-3 का अर्थ है इसमें देखिए दे गुड एंड थाउ बैड, शब्द थाउ के लिए क्या कोड होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए थाउ कॉमन किस में दिख रहा है आपको, देखिए थाउ थाउ दोस्तों एक तो 829 का अर्थ है, ठीक है, हाउ आर सॉरी हाउ आर्ट थाउ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कोड आ रहा है, 5 सॉरी 9, यहाँ पर 829 है, ठीक है, 829, ठीक है। अब और देख लीजिए थाउ किस में आ रहा है, ये आ रहा दोस्तों दे गुड एंड थाउ बैड, ठीक है। तो यहां पे इसका कोड कितना था, 1587-3, ठीक है, इन दोनों के अंदर थाउ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो ही थाउ का कोड होगा, वो भी वही क्या होगा, थाउ का कोड होगा। तो यहां पे 829 में 8 कॉमन है और 1587-3 में 8 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है वो थाउ का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो दोस्तों अंतिम दिन भी क्या होगा, दोस्तों उसका अंतिम दिन भी रविवार ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रविवार होगा, ठीक है। अगला वर्ष है वो सोमवार आ जाएगा, उसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण की तरफ मुख करके एक पंक्ति में खड़ी हुई है, दोस्तों ये 5 है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 है, इनका मुख है वो दोस्तों दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे बायां दायां है वो उल्टा हो जाएगा, वो आपको इसमें थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में उत्तर की ओर पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो उत्तर की तरफ तो अपना दायां बायां हो जाता है सेम है, लेकिन दक्षिण की तरफ है वो उल्टा हो जाएगा बायां दायां, ठीक है। इसमें देखिए उसमें से काली बस लाल बस के ठीक दाई ओर खड़ी है, तो दोस्तों लाल बस के दाई और काली खड़ी है तो बाई ओर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर है मैं देखिए काली लिख देता हूं के, ठीक है, काली को यहां पर के लिख देता हूं, ठीक है, और लाल को यहां पे एल लिख देता हूं, ठीक है। काली बस लाल बस के ठीक दाई ओर खड़ी है, ठीक है, तो दोस्तों जो
लाल बस है ये काली के ठीक दाई ओर खड़ी है, यानी कि बाई ओर खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है, हरी बस है वो दोस्तों नीली और पीली के बीच में खड़ी है, ठीक है, तथा पीली बस काली और हरी के बीच में खड़ी है। पीली बस है ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीली और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूँ, देखिए एच तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पीली इधर लेना पड़ेगा और नीली यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पीली बस काली और हरी के बीच में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पीली बस है ये काली और हरी के बीच में है। तब बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है, तो दोस्तों बिल्कुल बीच में पीले रंग की बस है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी, निम्न में से उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी तो वो कौन सी होगी, तो दोस्तों यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर यह आकृति अगर अपन यहां पर फिट करते हैं तो बिल्कुल सही हो जाती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर आकृति दे रखी है और ये आपका यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, ठीक है, दर्पण दे रखा है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये एरो का निशान है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, तो किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दीवार चिकनी मिट्टी मकान कमरा और ईंट दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपन चिकनी मिट्टी लेंगे, क्या लेंगे, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से क्या करेंगे, ईंट बनाएंगे, ठीक है, ईंट के बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें दीवार बनाएंगे, ठीक है, ईंट से अपन क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार से दोस्तों अपन कमरा बनाएंगे, सॉरी दीवार से अपन क्या करेंगे, कमरा बनाएंगे, ठीक है, और फिर सबके लास्ट में दोस्तों जब कमरा बन जाएगा तो मकान बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है और दाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी तक कुल व्यक्ति कितने हो गए, तो 15 और 16 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है, 15 प्लस 16 माइनस 1, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है, 31 माइनस 1, तो दोस्तों इसमें टोटल 30 व्यक्ति हैं वर्तमान में, ठीक है। देखिए कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए, तो यहाँ पे 50 में दोस्तों 20 जोड़ेंगे तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 व्यक्ति और जोड़ना है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए 30 दे रखा है, बीच में 100, 121 और 81 दे रखा है, 181 है ये 11 का स्क्वायर है, प्लस जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है, प्लस ये 100 है ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 11 प्लस 9 कितने होते हैं 20, 20 और 10 कितने होते हैं 30, ठीक है, कितने होते हैं 30, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, तो 8 प्लस 6 कितने होते हैं 14 और 14 और 7 कितने होते हैं 21, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 21, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत पर, यानी कि अंक के जो 3 है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, वो अपने को यहां पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, 3 3 आपको जहां पे भी दिख रहा है वहां पर आप गोला लगा लीजिए, ठीक है। अब 3 के साथ में आपको दोस्तों यहां पे 4 और 2 दे रखा है, 3 के साथ में यहां पर 4 और 2 दे रखा है थर्ड वाले डायग्राम में, इस सेकंड वाले में दे रखा है दोस्तों 5 और 1, ठीक है, 5 और 1 दे रखा है, और फर्स्ट वाले डायग्राम में 2 और 1 दे रखा है, ठीक है। तो सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए 3 के पड़ोसी हैं 4 2 5 1, तो ये तो इसके पड़ोसी हैं, तो विपरीत में कौन सा होगा, टोटल 6 फलक होते हैं, ठीक है, तो 6 होगा ये इसके विपरीत होगा, 3 के विपरीत, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तीस नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख निम्न तीनों के बीच सही संबंध दर्शाता है? कलम स्टेशनरी पाउडर, कलम स्टेशनरी पाउडर। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जो कलम है ये स्टेशनरी में आती है, लेकिन पाउडर है ये अलग आता है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न आकृति है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जो ये ऊपर जो त्रिभुज का निशान भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा कहां की तरफ? नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, अगला पद कौन सा होगा वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, एक ए है ये एक नंबर पे, सी आता है तीन नंबर पे, एफ आता है दोस्तों इसमें छह नंबर पे। तो यहां पे ए का विपरीत जेड दे रखा है, सी का विपरीत है दोस्तों यहां पे एक्स दे रखा है। ठीक है, तो एफ के विपरीत यहां पर यू दे रखा है। तो आगे कौन सा आएगा इसमें? तो दोस्तों इसमें देखिए, पहले तो आ रहा है एक, एक और दो का गैप आ रहा है, फिर आ रहा है दोस्तों इसमें देखिए डी ई एफ तीन का गैप आ रहा है, अब आएगा दोस्तों इसमें चार का गैप, तो इसमें जी एच आई। ठीक है, तो जी एच आई, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई जे। ठीक है, आई जे, ठीक है, चार का गैप आएगा तो जे आएगा। तो जे के विपरीत क्या होता है, क्यों आता है? तो जे क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक महिला पूरब की ओर 5 मीटर चलती है। ठीक है, यहां पर देखिए, एक महिला पूरब की ओर है, वो 5 मीटर जाती है, पूरब की ओर 5 मीटर जाती है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद यह दोस्तों क्या करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और 5 मीटर जाती है, इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 5 मीटर जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और दोस्तों ये 5 मीटर है ये जाती है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान से वो पश्चिम दिशा में स्थित है। दोस्तों कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? जल प्रतिबिंब कौन सा होगा वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों 0, 1, 3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो जल प्रतिबिंब होगा वो होगा इसमें कौन सा? तो वो बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे का थोड़ा सा हल्का सा है तीन में, देखिए वो थोड़ा सा ज्यादा मुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि गैप ज्यादा है उसमें, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक शिक्षक और महिलाओं के बीच सही संबंध को भलीभांति दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक शिक्षक और महिलाओं के बीच सही संबंध को भलीभांति दर्शाती है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें चिकित्सक शिक्षक और महिला तीनों, यानी कि महिला है वो चिकित्सक भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकती है, कुछ शिक्षक है वो महिला भी हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा? यहां पर देखिए बी ए बी ए बी ए बी ए चारों के अंदर दे रखा है, उसके बाद में देखिए इसमें दे रखा है टी, इसमें भी दे रखा है टी, इसमें भी दे रखा है टी और इसमें भी दे रखा है टी। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए, चौथा नंबर में इसमें तो ये तो तीसरा तो यही समाप्त हो गया, तो इसका मतलब जो ये टी है बी ए टी ये आएगा पहले नंबर पर। क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा दोस्तों, ये यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पे देखिए, इसमें सी दे रखा है, इसमें ई दे रखा है और इसमें एच दे रखा है, तो सी पहले आएगा, तो ये सी वाला है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ई है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा और एच है ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। पहले नंबर पर तो बी ए टी ए आएगा। ठीक है, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्नांकित आरेख में वर्त बुद्धिमान लोगों को, वर्त है ये दोस्तों बुद्धिमान लोगों को, त्रिभुज है ये सृजनात्मक सृजनात्मक लोगों को, जबकि वर्ग है ये सुस्त लोगों को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन बुद्धिमान के साथ सृजनात्मक है? ठीक है, तो बुद्धिमान के साथ सृजनात्मक, अब सुस्त वाला जो डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा है ये इसको छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो भी अक्षर है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन बुद्धिमान के साथ सृजनात्मक व्यक्ति है, कौन बुद्धिमान के साथ सृजनात्मक व्यक्ति है, तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें बुद्धिमान के साथ सृजनात्मक आपको यहां पे डी और ई दिख रहा है। ठीक है, डी और ई दिख रहा है। यहां पर इस प्रश्न के अंदर ऐसे नहीं बोला गया कि
ये जो सुस्त है ये नहीं है, सुस्त नहीं है का नाम है वो यहां पर नहीं लिया गया। अगर यहां पे ऐसे बोलता कि कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति है किंतु सुस्त व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो यहां पर डी अकेला आता, लेकिन अब डी और ई दोनों आएगा तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितनी आयत है, नीचे दी गई आकृति में कितनी आयत है, तो दोस्तों इसमें आयत देख सकते हैं यहां पर कितने आयत है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें टोटल टोटल इसमें आयतों की जो दोस्तों संख्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर क्या लगेगा, ठीक है, तो सीधा सा मैं आपको बोलूं, यहां पर देखिए प्लस का निशान तीनों के अंदर है, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस का निशान भी आएगा इसमें, ठीक है, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित आरेख में वर्त ग्रामीण व्यक्तियों को, आयत ईमानदार व्यक्तियों को, वर्ग मेहनती त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है, आकृति में ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी जो न ग्रामीण है न ईमानदार परंतु शिक्षित और मेहनती है, जो न ग्रामीण है न ईमानदार परंतु शिक्षित और मेहनती है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 10, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वर्त और आयत का इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों के अंदर कॉमन देख लीजिए, कॉमन कौन सा आएगा, 10, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर करेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं, आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर करेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाइनरी, उसे एक बाइनरी बोलते हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, कौन एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने और भेजने का काम आती है, जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के काम आती है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इंटरनेट टेलीफोन, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मर्ज करने से पहले डाटा सोर्स में कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मर्ज करने से पहले डाटा सोर्स में कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मॉडिफाई सॉर्ट और क्रिएट, तीनों कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है, तो किस में भेजी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है रिसाइकल बिन में भेजी जाती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, रिसाइकल बिन में। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, कौन एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूटिलिटी, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूटिलिटी। आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ड्रम प्रिंटर प्रकार को प्रिंटर का एक उदाहरण है, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार को, यानी कि किस प्रकार का प्रिंटर का उदाहरण है, ड्रम प्रिंटर है ये किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लेजर प्रिंटर का ये क्या है, उदाहरण है, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, HTML भाषा टेंट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है, तो दोस्तों HTML भाषा टेंट को यानी कि अक्षर को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है, तो दोस्तों यहां पर ये बोल्ड वाला बी, ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ये टैग दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मुख्य डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के चार प्रकार हैं, मुख्य डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के चार प्रकार हैं, तो वो कौन कौन से हैं, यहां पर देखिए, फॉर्म लेटर्स इनवेलप, ठीक है, फॉर्म लेटर्स इनवेलप लेबल्स व निर्देशिका, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है कहलाता है, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों लीजेंड कहलाता है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, लीजेंड। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सत्य है, वो यहाँ पर अपने को बताना है, तो देखिए, कंप्यूटर के दिनांक व समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, कंप्यूटर के दिनांक व समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन अल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन अल्गोरिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों फ्लो चार्ट। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्लो चार्ट। आगे देखिए, ओएस की एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को कहते हैं, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मल्टीटास्किंग। आगे देखिए, विंडोज है तो दोस्तों विंडोज क्या है? विंडोज है दोस्तों इसमें क्या, तो यहां पर जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर अपना इसमें ए और सी दोनों सही है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 54 नंबर का प्रश्न है, एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें फुटर, ठीक है। फुटर एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, इनमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों एक्सेल 2013। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है, तो कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, किसी एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य करता है, किसी एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फायरवॉल। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फायरवॉल। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, फॉर्म करने के लिए, यहां पे फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जा सकता है, फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है नेटवर्क के साथ में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नेटवर्क बनता है, यहां पर डी नंबर सॉरी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, नेटवर्क। अब दोस्तों अपन है 35 प्रश्न है वो इंडिया जीके प्लस जनरल साइंस के यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धन्वंतरी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धन्वंतरी। आगे देखिए, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशतक है, बताइए, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशतक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमोनिया, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा है, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है सर्वाधिक, ठीक है। आगे देखिए, 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो सीधा सा है, राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो दोस्तों इसमें 22 भाग हैं, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाग है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, टारनेडो क्या है, बताइए, टारनेडो है, क्या है टारनेडो, तो दोस्तों ये एक अति निम्न दाब केंद्र है टारनेडो, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें टारनेडो है ये दोस्तों एक अति उच्च समुद्री लहर है ये, ठीक है, एक तूफान आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की राज्यपाल थी वो, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, जो केसर का उत्पादन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म का
IUPAC नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 8 सेकंड का समय लगता है, क्या सही है, नहीं, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत है ये सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7,782 मीटर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो वो है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान सभा ने, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, संविधान सभा ने। आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भगत सिंह ने। आगे देखिए, 13वीं शताब्दी के द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है, 13वीं शताब्दी के द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मध्वाचार्य, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्वाचार्य। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, वर्तमान में इसको कानूनी प्रावधान बना दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं आपके। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था, तो मृच्छकटिका है ये किसने लिखा था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शूद्रक ने लिखा था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, शूद्रक ने लिखा था। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने खोज की थी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने की थी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा वो है टोकोफेरोल, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टोकोफेरोल। आगे देखिए, झेलम नदी का प्राचीन यानी कि संस्कृत नाम क्या था, तो दोस्तों झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सीधा सा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें है विस्तता, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इसमें देखिए, फिलाडेल्फिया किस शहर, किस देश का शहर है, फिलाडेल्फिया किस देश का शहर है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अमेरिका का है ये शहर, इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 36,000 किलोमीटर, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो वो कितना होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु को परावर्तित नहीं करती है, देखिए यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा, तो उसका रंग कौन सा होगा, उसका रंग होगा दोस्तों काला, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों रत्न, भारत रत्न, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आगे देखिए, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फारेनहाइट कितना होगा, तो दोस्तों फारेनहाइट होगा 32 डिग्री, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 32 डिग्री होगा। आगे देखिए, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा वो है विष्णु शर्मा, यहां पर सॉरी सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। आगे देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, नई दिल्ली में। आगे देखिए, साबुन के
उत्पादन में सह उत्पाद है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ग्लिसरॉल। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्लिसरॉल। आगे देखिए, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहां की गई, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहां की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जयपुर में। आगे देखिए, 20 नवंबर 2019 को बाल अधिकार संगठन यानी कि किड्स राइट्स द्वारा वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मेलोम को, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, राजीव गांधी पुरस्कार योजना किस आयु वर्ग की बालिका के लिए शुरू की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 11 से 18 वर्ष, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या कार्य है, बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या कार्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हितों में लागू करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान व उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, दोनों ही सही है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 अगस्त 2018 को, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यभरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु हो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पे 10 वर्ष से कम हो तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष से कम हो तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, ए एक सार्वजनिक स्थान पर इसित हार चिपकाता है यानी कि इश्तिहार चिपकाता है जिसमें 100 व्यक्तियों के एक संप्रदाय को विरोधी संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के लिए एक स्थान पर मिलने हेतु उकसाया जाता है, इन्हें भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में अपराध किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 117 में अपराध किया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कौन सा है, तो वो है 1976 से 1985 ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा उन्हें विधि संघर्षित किशोर कहा गया है, विधि संघर्षित किशोर कहा गया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15,000 रुपए दंड का प्रावधान है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, गुलाबों का संबंध है वो दोस्तों कालबेलिया नृत्य से है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कालबेलिया नृत्य। आगे देखिए, शिशुपाल वध का लेखक कौन था, राइट आंसर हो जाएगा भीनमाल का माघ, ठीक है, माघ कवि है, भीनमाल के थे, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा था। आगे देखिए, भैंस की गर्भावधि कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 310 दिन, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है, तो किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल इस प्रकार है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है, ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, गैप सागर झील कौन से जिले में स्थित है, तो ये डूंगरपुर में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर डूंगरपुर में है। आगे देखिए, सोनगिरी बावड़ी कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खंडेला सीकर में है ये सोनगिरी बावड़ी, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शेखावाटी शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1803 में किसने किया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डब्ल्यू एन नार्डन ने शेखावाटी शब्द का प्रयोग 1803 में किया था सर्वप्रथम। आगे देखिए,
ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण है किस राजा के काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार के काल में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला है ये कब लगता है? राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष में ये मेला लगता है, ठीक है, केला देवी का मेला ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिचियाक बांध की स्थित है? पिचियाक बांध कहां पर स्थित है? जोधपुर में है दोस्तों, ये बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा कामण गीत कहलाता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कामण गीत। आगे देखिए, झालावाड़ का संबंध प्रदेश के किस संभाग से है? झालावाड़ का संबंध प्रदेश के किस संभाग से है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा से, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कोटा। आगे देखिए, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अजमेर में। आगे देखिए, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों तनोटिया माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। आगे देखिए, चंदेरिया सीसा दस्ता प्रदावक है किस जिले में स्थित है? चंदेरिया सीसा दस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर चित्तौड़गढ़। आगे देखिए, राज्य में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राज्य में बादला उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा बादला उद्योग है, ये एक जिंक निर्मित पानी की बोतल होती है दोस्तों, बादला जिसको बोलते हैं जोधपुर में बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सैन समाज की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर है? नारायणी माता का मंदिर है दोस्तों राजगढ़ अलवर में, यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था, तो नानक जी भील का संबंध था तो ये था दोस्तों बूंदी से संबंधित था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बादला नामक पानी का बर्तन कहां का प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ स्थल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है सापुरा भीलवाड़ा। आगे देखिए, इसमें रंगाई छपाई तथा बंदेज के लिए प्रसिद्ध बालोतरा किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा बाड़मेर में है साहब। आगे देखिए, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य 56 नदी नालों के मैदान को क्या कहा जाता है? 56 नदी नालों के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 56 का मैदान कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजपूत राजाओं के प्रति सहिष्णुता एवं मित्रता की नीति जिस मुगल शासक ने अपनाई थी वह है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अकबर ने, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? तो दोस्तों कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बाघ परियोजना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है भीनमाल थी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में आवंटित राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्त 10 है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें जमार का सूखा पौधा जिस पर से अनाज की बाल काट दी गई हो और जानवरों का जो जानवरों का चारा है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसे यहां पर मैं आपको बोलूं कि जैसे बाजरा है, बाजरा के ऊपर से वो जो बाजरा का जो सिट्टा है उसको काट लिया जाता है और जो नीचे का रहता है जो रहती है ठीक है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कड़ब या कड़बी, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वो है दोस्तों कृषि, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, काली सिंध परियोजना यहाँ पर उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा, झालावाड़ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है। जाकम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा, बाकी तीनों सही है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बांसवाड़ा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बांसवाड़ा। आगे देखिए, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जयपुर। आगे देखिए, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फरवरी 1999, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक स्थित है, यानी कि स्मेल्टर,
राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है झुंझुनू, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शहर के किले में जयबान व जयबान टोप रखी गई है? तो दोस्तों ये कौन से किले में जयबान टोप रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के किले में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए गलत युग्म का अपने को यहाँ पर ये प्रश्न है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रश्न में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाले चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बड़ी ठनी का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। आगे देखिए, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सिरेमिक जैसी मिट्टी से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सिरेमिक जैसी मिट्टी से। आगे देखिए, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फीणी टकने में पहने जाने वाला आभूषण है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में आज आपका प्रश्न यही है कि जो फीणी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न पर यानी कि प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है, कोड के आधार पर। देखिए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है, त्योहारों से संबंधित है ये, तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेले और जिले का कौन सा जोड़ा सही से मेल नहीं खाता है, वो अपने को यहां पर बताना है, ठीक है। यहां पर देखिए, करणी माता मेला बीकानेर में बढ़ता है, रामदेवराम मेला जैसलमेर में बढ़ता है, केला देवी का मेला करौली जिले में बढ़ता है, बिणेश्वर का मेला दोस्तों डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, यहां पर बांसवाड़ा दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों मल्लीनाथ जी से, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेतावनी रा चुंगटिया, केसरी सिंह भारत ने लिखा था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। देखिए, गजनेर महल कहां पर है? गजनेर महल बीकानेर में है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 11 नंबर का मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली जो 10 क्लासें हैं वो नहीं देखी है यानी कि 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले 10 मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।